पेमेंट करने के एक और डिजिटल तरीके ने देश में दस्तक दी है। नाम है यूरोपी। इसको 2 अगस्त को पीएम मोदी ने लॉन्च किया। सवाल यह है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई पहले ही मौजूद है तो इस यूरोपी की क्या जरूरत पड़ गई? इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? आइए इनके साथ साथ यूरोपी से जुड़े दूसरे सवालों का भी जवाब जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले एक लाइक तो बनता है, ये डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीकों से यह इस मायने में अलग है कि ये वाउचर की शक्ल में मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे उदाहरण से समझें। माना कि सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसे देना चाहती है। इसका एक तरीका तो यह है कि वो सबके अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर दे। अब दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। फिर ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि जो पैसा भेजा गया उससे वैक्सीन ही नहीं गई या कुछ और। ऐसे में ये यूपी काम आएगा। इसमें एक SMS या QR कोड की शक्ल में यूपी भेजे जा सकते हैं। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक होंगे। मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वह शख्स तय काम के लिए ही कर सकेगा। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया यूपी वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है वही उसका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इश्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि वाउचर का प्रयोग हो गया है। इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अपने UPI प्लेटफॉर्म के जरिए चलाएगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को यूपी वाउचर जारी करने हैं तो उन्हें इन पार्टनर बैंकों से संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैंक यूपी इश्यू करेंगे जरूरी नहीं कि वो इसे स्वीकार भी करें। मतलब अगर किसी को ABC बैंक से जारी किया यूपी वाउचर मिला तो जरूरी नहीं है कि वह बैंक उसे कैश करने की सुविधा भी दे। जिस शख्स के पास यूपी वाउचर भेजने हैं उसकी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ बैंक को देनी होगी। बैंक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेगा और ग्राहक को चिन्हित करके उसके मोबाइल नंबर पर यूपी वाउचर भेज देगा। ई यूपी पर बैंक दो तरह से काम करेंगे। एक वो बैंक जो यूपी वाउचर जारी करेंगे, दूसरे वो जो इन्हें स्वीकार करेंगे। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो दोनों काम करते हैं। फिलहाल 11 बैंक ऐसे हैं जो यूपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मेनली एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक इस वाउचर को इश्यू भी करते हैं और स्वीकार भी। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ यूपी वाउचर इश्यू करते हैं, स्वीकार नहीं करते। देश में यूपी को इश्यू करने और स्वीकार करने के बैंक निर्धारित कर दिए गए हैं। आम लोगों को यूपी भेजने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जब किसी को पैसे भेजते हैं तो जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। असल दिक्कत आती है एजेंसियों को वेलफेयर स्कीम के पैसे भेजने में। इसमें यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि जिस लाभार्थी को जिस काम के लिए पैसा भेजा गया है वह उस तक पहुंचा या नहीं, और पहुंचा भी तो उसने उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल किया या नहीं। सरकार के लिए यूपी का यह सिस्टम बहुत कारगर साबित हो सकता है। दवाई, माँ और बच्चे की वेलफेयर स्कीम, टीवी इलाज के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीमों में पैसा भेजना काफी आसान हो जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कई मनी वाउचर आदि के जरिए पेमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर सुबह को फूड वाउचर, इनका इस्तेमाल कर्मचारी कहीं भी खाने पीने के पेमेंट करने के लिए करते हैं। यूपी के सिस्टम से सीधे एक मैसेज के जरिए पैसे पहुंचने से ऐसा लग सकता है कि ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा है नहीं। चूंकि वाउचर भेजने वाला इसके लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेगा, ऐसे में इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक जारी करता है, इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। फिजिकल करेंसी यानी रुपए के मुकाबले इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब 10 रुपए के नोट और 10 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू बराबर होगी। बस फर्क इतना होगा कि डिजिटल करेंसी एक कोड की शक्ल में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा। इसे इश्यू करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए या गोल्ड का सहारा लेगा या नहीं आदि इत्यादि। कई देशों में यूपी जैसे वाउचर का इस्तेमाल पहले से हो रहा है। अमेरिका में सरकार जरूरतमंद बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए डिजिटल वाउचर इश्यू करती है। मतलब अगर फीस जमा करनी है तो उसका वाउचर सरकार भेज देती है। कॉपी किताब और स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए अलग से वाउचर भेजा जाता है। जैसी जरूरत उसके हिसाब से वाउचर उपलब्ध कराया जाता है। अमेरिका के अलावा कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग आदि देशों में भी इस तरह के स्कूल वाउचर जारी किए जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे फेसबुक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।